कबूतर वेखी आई चल कबूतर तो तेन कबूतर तो तेन हर बंदे ने विखा देना तेन तोता विखाव जदों भी मैं शो शुरू किया है हमेशा तुसी इस लफ्ज़ का बड़ा इस्तेमाल किया है कि खोता विखावा तोता विखावा काश के किसी तुसी कहो कि अज मैं नावा यार कमाल वाली गल है तुहानू इहदे ते शक है यकीन है डेढ़ होशियार डेढ़ होशियारी वाकई बड़ी खतरनाक सी चीज है। इंसान जिन्ना टैलेंटेड है उस तो ज्यादा दी सोचता है कि यार रे मैं भी कर सकना है मैं क्यों अपना सिखा भाई जी जी बिल्कुल इंज ही है। डेढ़ शेर भला की होंगे कि तू तो शेरा और कई उस्ताद होंगे ने बड़े डेढ़ शेर होंगे ने एवं निशाना लवा रहा है उस शिगिर्द को सही नहीं लगा तुम्हें लगाना नहीं आता बेटा निशाना इस तरह नहीं लगता बताओ तो पकड़ा बंदूक मैं लगा के दिखाता हूँ आप लाया था अपने को भी नहीं सही लगे तुम ऐसे लगा रहे थे सरदार साहब ने आप बड़िया डेढ़ शहरियां कीतियां अच्छा बढ़ गए साहिवाल दी बस च अच्छा अच्छा मैं क्या की कहंदे मैं जाना नहीं मैं शहरी बखा रहा हमारे आज के मेहमान ना सिर्फ मैं मेरे जैसे और फनकार जो फनकार बनने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जवान जवान बूढ़ा बूढ़ा कोई भी है इस शख्स ने उनसे इतनी दुआएं ली हैं कि अगर आप हिसाब करने लगे तो वह हिसाब पूरा नहीं होगा। बेसिकली ये शख्स एक चोर है जो लोगों के गम चुराता है। क्या बात, इनके लिए तालियां। ना सिर्फ नेशनल लेवल पे काम किया इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया और जब वहां गए वहां जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। वैसे तो लोग इन्हें जफरी खान के नाम से जानते हैं लेकिन जफर इकबाल साहब बहुत इज्जत और एहतराम से आइए। बस करें कि हम मुझे रुलाएंगे आप सर जी सर प्लीज तशरीफ रखिए सर तशरीफ रखिए सर मज़ाकरात की तरफ से दुनिया न्यूज की तरफ से हमारी इस पूरी टीम की तरफ से और इस पूरी कौम की तरफ से चाहे वो मुश्किल वक्त में हो अच्छे वक्त में हो बुरे वक्त में हो इस शख्स का बड़ा एहसान है मेरी कौम पे इसने सबके आंसू चुराए हैं लोगों के बुरे वक्त के साथी हैं ये तो मैं अपनी नीज पे आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू तस्लीम रखिए सर थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया इतने बनता है सारे खानदान ने मिलके पाला बैठो बैठो लिहाज डाला मार डाला। अच्छा मैं भी कह रहे हैं कि एडे साइज दे ते मैं देखे नहीं सी कदी वो ए लेके आ रहे हैं उदे हिसाब च ए भी वो मोढे ते रख के ले आया होना साहब माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तू वापस लेना है
बैड बना लिया तेरे घर उस दिन कस्टर्ड बनया मैं तेरे घर के सालन बनया कहता हिलण वाला हालांकि घर जो जो अज भी तूड़ी निमको कहते मैं दुध लेने पे जाए कढ़ाई थलो वापस आके तो दुकान बंद है कभी आप जीटी रोड पे गए हो जी आपने हाफ सेट चाय मंगाई हो जी उसके साथ दो कप जी छोटी सी चैनक बिल्कुल जहां से चैनक पकड़ते हैं जी जहां से चाय निकलती है देखो जब जहां से चाय निकलती है वैसा तो तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर कैसा है वो जड़ी कागज ही बना के देके चुंज नहीं देंदे चैनल कभी आप जूती सिलवाने गए हो मोची के पास जी मोची के पास पाइन उधर ही आया है वो मोची के पास आके तीन मुंह वाला पड़ा होता है जी तीन मुंह वाला पड़ा होता है जिसके ऊपर वो बूट चढ़ा के कील लगाता है ऐसे ही है देखो उस जैसा तो आपका मुंह नहीं है किधर आ गया फिर किस जैसा वो जड़ी बूट दे बेच दे के सूत्र पा के आया ना टाइम हो माशाल्लाह भाली साहब सखावत साहब और सरदार साहब बड़े मंजे हुए कलाकार है जी हनी साहब एक दफा कहते जी मैं वाल लुवाने ने अच्छा इन्होंने वाह वाह पुराने जमाने की विग लुवा ली चीर मोटरसाइकिल जा रही है बंदा पिछे घबराया हो की अगला दिन वेग नहीं सिद्धि की हैंडल पुठा लवा ले पायलट होंगे जहाज के जहाज चला के उत्ते जा के जहाज नूं पुठा करके नाल दे कहने ए मेरा घर ही सर पहले तो ये कि मुज़ाकरात में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आने से जो एनर्जी हमारे सेट पे इस वक्त महसूस हुई है हम सबको बार बार इज्जत की बात हो रही है कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है अल्लाह ऐसे ही किसी को इज्जत नहीं देता अरे। आपका टैलेंट जो सालों से पूरा पाकिस्तान देखता आ रहा है आज फिर उसकी एक मिसाल आप सबने देखी माशाल्लाह जफरी खान अपने स्टाइल का मुनफरिद फनकार माशाल्लाह इन्ने लोगों के विच आके अपना नाम बनाना उस वेले च बंदे का काम से जो अपना स्टाइल अपना तरीका अपनी गल लैके आ दे जफरी खान उन्होंने फनकार शामिल होंगे जेड़े रश के आके अपने आप को मनवाया क्या बात है वर्स्ट स्टाइल और अपने तर्ज का बिल्कुल डिफरेंट फनकार इन्होंने अपने आप को रश च मनवाया एक दिन मैं देखा काफी रश से उसे अपने आप मनवा इलेक्ट्रीशियन किसी की बिजली ठीक करने पहले कार